प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को आपकी वार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर में आने वाले प्रश्न और उनके उत्तर बताने वाला हूं। तो इसलिए लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर आसानी से समझ में आ सके। प्यारे दोस्तों विद्यार्थियों, आज मैं आप सभी को कक्षा 9वीं की परीक्षा सामाजिक विज्ञान के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपकी परीक्षाओं में बिल्कुल आने वाले हैं। तो इसलिए लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर आसानी से समझ में आ सके। तो वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लें। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को वो क्वेश्चन और उत्तर बताने वाला हूं, जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान विषय में आपसे बिल्कुल पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर आसानी से समझ में आ सके। और इसी के साथ में दोस्तों, आपको ये भी समझ में आ सके कि आपकी कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा 2021-22 सामाजिक विज्ञान विषय में कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं, सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। तो इसलिए लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आज मैं आपको जो क्वेश्चन बताऊंगा वो आपके पेपर में बिल्कुल आने वाले हैं, चाहे आपके पास में कोई सा भी सेट पेपर आ जाए, सभी सेट पेपर में दोस्तों आपके यही प्रश्न और उत्तर आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर भी समझ में आ सके और इस क्वेश्चन पेपर में बताए गए प्रश्न और उनके उत्तर भी आपको समझ में आ सकें। इसलिए लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर दोस्तों आसानी से समझ में ये आ सके। आज जो मैं आपको प्रश्न और उत्तर बता रहा हूँ, पूरा का पूरा आपको प्रत्येक सेट में यही प्रश्न और उत्तर आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इसलिए लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और समझते हैं कि आपका वार्षिक परीक्षा पेपर 2021-22 कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान के विषय में कौन कौन से प्रश्न हैं, जो कि आपकी परीक्षा पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और समझते हैं कि आपका वार्षिक परीक्षा पेपर कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर आपका कैसा होगा। तो देखिएगा दोस्तों, आप इस जगह से देख पा रहे हो, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, आप सभी लोग इन क्वेश्चन को और इनके उत्तर को याद जरूर कर लें। बिल्कुल आपसे परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे आपके पास में कोई सा भी सेट पेपर आए, आपकी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, भारत का देशांतरी विस्तार मानक समय से आप क्या समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको ये बताना है कि मानक समय क्या होता है। तो आप इस जगह से पूरा देख सकते हो, मानक समय क्या होता है। भारत का देशांतरी विस्तार 68.7 पूर्व से 97.25 पूर्व देशांतर के मध्य लगभग 30 डिग्री स्थित है। इतना अधिक देशांतरी विस्तार भारत में पूर्वी और पश्चिमी भागों में 2 घंटे का समय अंतराल उत्पन्न करता है। संपूर्ण भारत के लिए एक समय जो निर्धारित करने के लिए भारत की मध्य देशांतर रेखा 82.30 पूर्वी देशांतर को रेखा भारत का मानक नियमांतर निर्धारित किया जाता है। तो इसी के अलावा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये दिया गया है, विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति का वर्णन कीजिए। ये वाला क्वेश्चन और इसका उत्तर भी आप यहाँ से पूरी तरह से नोट कर सकते हो। और उसी के नीचे अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, भारत की स्थिति एवं विस्तार का वर्णन आपको करना है। तो ये सभी क्वेश्चन जो यहाँ पर आपको बताए गए हैं, आप सभी लोग इस जगह से इसको देखेंगे और इसको नोट कर लेंगे, बिल्कुल आपका परीक्षा पेपर इसी प्रकार का पूछा जाएगा, जैसा कि यहाँ पे दोस्तों मेरे द्वारा यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। भारत की भौगोलिक स्थिति का महत्व आपको बताना है, तो आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले पार्ट में से कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो यहाँ से आप दोस्तों देख पा रहे हो, प्रवाल से आप क्या समझते हैं, प्रवाल के प्रकार आपको बताने हैं, हिमालय पर्वत के अंतर्महान हिमालय को आपको समझाना है। तो आप सभी लोग इन क्वेश्चन को यहाँ से देखते चलेंगे, बिल्कुल आपसे परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, जो कि दोस्तों मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं। और इसके अलावा बागर एवं खादर भूमि में अंतर आपको बताना है, दक्कन के पठार का संक्षिप्त परिचय आपको देना है। तो सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों जो यहाँ पर आप सबको बताए जा रहे हैं, आप सभी लोग इनकी तरफ ध्यान देंगे और सभी कुछ इसको यहाँ से अच्छे से याद कर लेंगे। एक ये वाला, भांवर और तराई प्रदेश का वर्णन कीजिए। भांवर क्या होता है और तराई प्रदेश क्या होता है, ये भी आप इस जगह से देख लीजिएगा। पूरा का पूरा दोस्तों आपका क्वेश्चन पेपर इस प्रकार का आपका परीक्षाओं में आने वाला है। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया, आप इस जगह से देख पा रहे हो, तराई भांवर की पट्टी में दक्षिण में सरिताएँ पुनः निकल जाती है, ये नम तथा दलदल क्षेत्र का निर्माण करती है, प्रदेश को तराई प्रदेश कहते हैं। और उसी के अलावा दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, पूर्वी तटीय मैदान एवं पश्चिम तटीय मैदान में अंतर आपको बताना है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप इस जगह से पूरा नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल आपसे परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसी के अलावा आप दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हो, भारत को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है, किसी एक का वर्णन आपको करना है।
तो ये वाला क्वेश्चन भी आप दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो, तो पूरा का पूरा आप यहाँ से देख लीजिएगा जिससे कि आपको समझ में आ सके। और उसी के अलावा दोस्तों आप यहाँ से देख पा रहे हो ये क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, तो देखिएगा यहाँ पे संक्षिप्त विवरण दीजिए। संक्षिप्त विवरण किसे देना है? भारतीय तटवर्ती क्षेत्र और भारतीय द्वीप समूह। तो देखिएगा ये क्वेश्चन जो यहाँ पर दिए गए हैं आप सभी लोग इनको देखेंगे और यहाँ से इनको नोट कर लेंगे। और उसी के अलावा कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, आप इस जगह से देख सकते हो। सिंधु नदी तंत्र को समझाइए और झीलों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो सभी क्वेश्चन दोस्तों मेरे द्वारा जो यहाँ पर बताए जा रहे हैं आप सभी लोग इस जगह से इनको देखेंगे और इन सभी क्वेश्चन और इनके उत्तर को आप लोग यहाँ से नोट कर लेंगे। और इसी के अलावा आप यहाँ पर देख पा रहे हो हिमालय तथा प्रायद्वीपी नदियों की तुलना आपको करनी है, गंगा नदी का तंत्र आपको समझाना है और नदी प्रदूषण को समझाइए। तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आपको याद कर लेने हैं। और इसी के अलावा अगर आगे मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ से आप देख पा रहे हो ये क्वेश्चन जो यहाँ पर बताए गए, भाखड़ा नांगल परियोजना क्या है, ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। चाहे आपके पास में दोस्तों कोई सा ही सेट पेपर आए, सेट ए आ जाए, बी आ जाए, सी आ जाए, डी आ जाए या ई एफ, कोई सा ही सेट पेपर आ जाए, सभी सेट पेपर में दोस्तों आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि यहाँ पर मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हो, पश्चिम बंगाल का सोक किस नदी को कहा जाता है और क्यों? तो ये वाला क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद कर लेना चाहिए, परीक्षाओं में आपसे यही क्वेश्चन पूरी तरह से पूछा जाएगा, आप इस जगह से पूरा देख सकते हो। और उसी के नीचे आप यहाँ पर देख पा रहे हो नमामि गंगे परियोजना को समझाइए। तो ये वाला जो क्वेश्चन आपको दिया गया है आप सभी लोग इसको यहाँ से देखेंगे और पूरा का पूरा दोस्तों इसको यहाँ से याद कर लेंगे। पूरा का पूरा जो आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला होगा, पूरा क्वेश्चन पेपर दोस्तों आपकी परीक्षाओं में ऐसा कैसे पूछा जाएगा जैसा कि दोस्तों मेरे द्वारा यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। उसी के नीचे दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना क्या है? तो देखिएगा ये क्या है, वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना प्रारंभ की गई, इसके अंतर्गत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा फार्म योजना का विस्तार किया गया। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। और उसी के अलावा दोस्तों आपको चित्र भरने को भी आएगा, देखिएगा यहाँ पर भारत के मानचित्र में निम्न झीलों नदियों और झीलों को आपको दर्शाना है। देखिएगा क्या क्या आपको दर्शाना है, गंगा, सतलज, दामोदर, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, दिहांग और चिल्का, साबर, बुलर। तो ये सभी लोग आप यहाँ से इसको थोड़ा सा देख लेंगे जिससे कि आप थोड़ा थोड़ा इसको मोटा मोटा समझ सकें कि कौन सी नदी किधर बहकर जाती है। जैसे कि मेन नदियाँ मैं आपको बता देता हूँ, अगर उन्होंने ताप्ती नदी, नर्मदा नदी का पूछा है तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से निकलते हुए इधर गुजरात की तरफ बहते हुए जाती है। तो इस प्रकार से पूरी बना देनी है आपको ये। और उसी के अलावा आप ताप्ती नदी को देखेंगे तो ताप्ती नदी का ये हो जाएगी पूरी। और उसी प्रकार से चंबल नदी और बेतवा नदी को आप थोड़ा देख ले और एक गंगा नदी को देख ले, ये ज़्यादा आपसे दोस्तों नदियाँ पूछी जाती है। और अगर इधर भारत के दक्षिण की बात करें तो बंगाल की खाड़ी आपको इधर दर्शा देनी है, अरब सागर को इधर और हिंद महासागर आपका इस तरफ आ जाएगा। तो इस प्रकार से पूरा दोस्तों आपको ये दर्शा देना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप दोस्तों यहाँ से देख पा रहे हो, देखिएगा क्या लिखा है, तमिलनाडु की शीत ऋतु में वर्षा क्यों होती है, ये वाला क्वेश्चन। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ क्यों कहा जाता है, जेट स्ट्रीम क्या है और एल नीनो से आप क्या समझते हैं। ये जो क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताए गए हैं आप सभी लोग इस जगह से इन क्वेश्चन को नोट करेंगे जो कि यहाँ पर आप सबको बताए गए हैं, आप पूरे के पूरे क्वेश्चन यहाँ से नोट कर लेंगे, बिल्कुल आपसे परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि यहाँ पर आपको बताए गए हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जो क्वेश्चन और उनके उत्तर बताए गए आप सभी लोग इनको नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल आपसे परीक्षाओं में यही के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि दोस्तों यहाँ पर आपको बताए गए हैं। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। इसी के साथ में दोस्तों आप सबको मैं वार्षिक परीक्षाओं के लिए शुभकामना देता हूँ। जल्दी दोस्तों अगले वीडियो में मैं इसका फुल सॉल्यूशन वीडियो देने वाला हूँ, अभी तक आप इतना याद जरूर कर लें, जल्दी दोस्तों आपको मैं पूरा का पूरा फुल सॉल्यूशन वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। इसी के साथ में दोस्तों आप सबको मैं वार्षिक परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और इस वीडियो से विदा लेता हूँ। नमस्कार।